वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिस्टर ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी का सब मजा ले रहे होंगे, क्योंकि अभी इस समय ठंडी बढ़ गई है और इसीलिए आप देख रहे हैं मैं बैठी हूँ धूप में, क्योंकि आज मैंने अपने बाल धोए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी अंदर और अच्छी बालकनी में धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पर बैठ जाती हूँ। और माना तो सो गया है और कैटन भी अभी तक आया नहीं है, उसी का मैं वेट कर रही थी, लेकिन फ़ोन में बात हुई तो अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहा है और बस ये चालू हो गया घें घें घें, दिमाग ख़राब हो रखता है सही में। इस समय पूरी दोपहर बजता है, जैसे ही सोने का टाइम आता है वैसे चालू हो जाता है। तो और आज है फ्राइडे, बस न्यू ईयर 2-4-6 दिन में न्यू ईयर आने वाला है, पता ही नहीं चला कब ये साल बीत गया। ऐसे ही होता था, पहले लगता था कि बहुत टाइम है, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि कब साल बीत जा रहा है सही में पता नहीं चल रहा है। देखते देखते मेरा मन अब 2 साल का होने लगा, ऐसा याद करती तो ऐसा लगता है अभी तो हुआ था। सो टाइम है, उसको तो कटना ही है, तो बस बने रहिए, मिलते थोड़ी देर में। हे गाइस, तो हो चुकी है शाम और शाम को यहाँ पे मैंने बनाई, हाँ रात हो गई है, रात के 7:30 बज गए हैं, पूजा वूजा कर ली मैंने और यहाँ पे मैंने बनाई है मैगी। लेकिन आज मैगी बनाने में एक प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मैगी का मसाला ही नहीं था, मैंने पूरा मसाला खर्च कर डाली है। एक मैगी बनाएंगी और मसाला 2 पैकेट डालेंगी, तो यहाँ पे एक अलग कैसे, तो ये देखिए, देखो हाथ कैसे कटा है मैगी, देखो हाथ कड़ी मैगी बनी है चाउमीन स्टाइल में और चाउमीन का ही मसाला डला है, चाउमीन बना है मैगी स्टाइल से। हाँ, पर यहाँ मानव बैठ गया खाने के लिए, इतना परेशान करने लगा है ना ये समय ये लड़का, चाउमीन लग रहा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं चीज, तो ये देखिए चीज कैसे खा रहा है, चीज उठा उठा के। अच्छा लग रहा माना है? वाह, एंड यहाँ पे मनु को लगाना था तेल सिर पे बाल में, क्योंकि उसका सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और पढ़ाई भी करनी थी, एग्जाम है कल, तो वही लगा रही थी। और देखिए मानव कैसे देख रहा है, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, मम्मा के पास बैठ जाए या पापा के पास तो आके मस्ती करने लगता है, हटाने लगता है उसको, इसलिए मैं मनु को भी चिल्ला रही थी। ले लो एनी टाइम, बस अरे फोन नहीं, पेपर पेपर, फोन के पास जा रहे, वो नीचे 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 कैमरा पास। हे गाइस, तो अभी की ताजा खबर ये है कि कल था मनु का एग्जाम, लास्ट एग्जाम, लेकिन अभी अभी मैसेज आया है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और कल से मेरी लग गई है 10 दिन की छुट्टी, इसकी कल से लग गई छुट्टी, अब न्यू ईयर तक नो स्कूल, लेकिन पढ़ाई करना है ना लास्ट एग्जाम की। हाँ, तो कल है 23rd और कल 23rd से लेके 21 तक, हाँ 1st जून तक। तो अब तो बस पार्टी धमाल मस्ती, दादा भी आ गया है और चैतन भी आ गया, अभी तो नहीं आया वैसे दोस्त के यहाँ से, लेकिन यहाँ तो आ ही चुका है, तो अब उसको भी कॉल करेंगे, उसको भी बुला लेंगे और मस्त मस्ती करेंगे, पापा की भी हो जाएगी फिर अपन अभी 31st भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं सोसाइटी में, देखते हैं कुछ होगा तो। तो बस अभी की यही खबर, अभी पता चला तो मैंने सोचा आप लोग से, कितना टेंशन ले रही थी मैं पढ़ा ही रही थी पहले स्कूल में क्या हुआ, पहले बोले कि फुल डे होगा, फिर बोले कि हाफ डे होगा, फिर बोल दिए सीधा कि छुट्टी हो जाएगी, आधे बच्चे तो पढ़ भी लिए होंगे, उनका टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, मैं तो पढ़ा ही रही थी, मनु ने बोला मम्मा कोई एक क्वेश्चन था, उसको डाउट था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने फोन देखा नोटिस, बस हम बुक्स लेके मैं इसको समझा ही रही थी, और इतने में यही फोन रखा था, अभी मैसेज आया तो कि पोस्टपोन हो गया है, तो बस यही खबर थी, हमने सोचा आपसे शेयर कर दिया जाए। सो मिलते हैं थोड़ी देर से, अब चल लेते हैं खाना वाना बना लेते हैं, इसके चक्कर में मैं बैठी थी, मैं खाना भी नहीं बनाई, आज मेरा खेलना भी वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं है, अभी तो टाइम ही टाइम है।
तो चलिए बना लेते हैं खाना, बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर से। एंड आई फाइनली यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, क्योंकि आज बहुत लेट भी हो गया, मैगी वगैरह खा ली थी, ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो बस यहाँ पे आलू टमाटर सब्जी बन गई है। एंड ये है सुबह का क्लिप, आज मतलब मॉर्निंग का, सैटरडे का। तो यहाँ पे सुबह सुबह अंकल आंटी भाभी लोग सब लोग, अभी राम मंदिर बन रहा है तो उसी में प्रभात फेरी निकाले थे और हनुमान चालीसा वगैरह हो रहा था, तो अभी इन्होंने नया नया शुरुआत किया और बहुत अच्छा भी है। मतलब हमारी नींद पहली बार बहुत अच्छा लगा कि हमारी नींद ना ये सुन के, राम भगवान का भजन सुन के खुली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वरना कभी कचड़े वाले की आवाज़ सुन के, कभी दूध वाले की, कभी पेपर वाले की, या कभी कुछ, तो एक अच्छी शुरुआत है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एंड यहाँ पे मिश्रा जी भी शामिल हो चुके हैं। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मानव था, वो जग जाता है तो फिर रोने लगता है, तो दोनों लोग चले जाते तो इसलिए नहीं गई थी, लेकिन मिश्रा जी साथ में गए हैं। सो इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड